चलो चलो चल। यहाँ पे थोड़ा देख के जाना होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी। ये देखो भाई ऐसे जाना होता है यहाँ पे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूँ रोहित, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सो गाइस यार आज है संडे और संडे को मेरी लॉन्ग रनिंग होती है। सो आज मैं कोई लॉन्ग रनिंग नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं सिकर फॉल वाली रोड पे जाऊँगा और अगर हो सके तो हम सिकर फॉल भी जाएंगे। तो मेरे साथ है फैज़ल भाई और अभी मैं जा रहा हूँ राजपुर रोड पर। सो वहाँ पर वो आएँगे, उसके बाद हम जाएँगे वहाँ पर। थोड़ा हमारा काम है, मतलब वीडियोज़ वगैरह बनानी हमें वहाँ पर, और लेट्स सी। और कल से तो बहुत बारिश हो रही है देहरादून में। फैज़ल भाई आने ही वाले हैं तो सिकर फॉल में आजकल तो बहुत पानी हो रखा होगा। अगर हो सके तो हम ऊपर वाले फॉल जाएंगे, नहीं तो नीचे वाले फॉल जाएंगे। और दूसरी लोकेशन पे भी जाना है हमें, सो देखते हैं। और ये फैज़ल भाई आ चुके हैं, फैज़ल भाई के लिए वीडियो वगैरह बनानी है। और भाई कैसे हो? बस तो बॉयस पहुंच चुके हम सिकर फॉल वाली रोड पे और यहाँ से ऊपर जाते हैं सिकर फॉल। और अभी कोहरा ही कोहरा हो रखा है, मौसम बड़ा मस्त हो चुका है। बॉयस अभी यहाँ पे मौसम ऐसा हो गया जैसे गांव में नहीं होता, मतलब कोहरा लगा रहता है बरसात के टाइम पे, वैसे ही सेम टू सेम ऐसा हो चुका है। और नीचे सिकर फॉल का मतलब ये गांव समझ लो आप। और अभी हम जाएंगे ऊपर, तो दो रोड हैं, एक से मतलब देहरादून दिखेगा और एक से सिकर फॉल की तरफ जाएंगे हम। सो अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ की तरफ। तो पहले यहाँ पे थोड़ा एक दो वीडियो बनानी है फैज़ल भाई की, वो बनाऊँगा और फिर देखते हैं किस तरफ हम जाते हैं। यार कोहरे में इतनी मस्त वीडियो बनी ना। सो अभी और भी वीडियो बनाने हमें, तो अब हम जाएंगे ऊपर। तो कुछ शॉट हमने यहाँ पे ले लिया है भाई, देखो जो हमारा साथ दिया ना वो कोहरे ने दिया। कोहरे में वीडियो और भी अच्छी आ रही है, हालांकि यहाँ से वैसे पूरा देहरादून दिखता है ऊपर से, लेकिन वो नहीं दिख पाएगा, लेकिन मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी आ रही है। ओ भाई तो सामने कोहरा छटने लगा है। और ये देखो, और ये हमें क्या मिला, देखो कितना छोटा कुत्ते का बच्चा है। ले ले ये एक हाथ बराबर भी नहीं है। पानी डालने को कहते हैं मोहम्मद को। सो यहाँ पे तक है सिकर फॉल की रोड और उसके बाद हमें पैदल जाना होता है। चलो भाई क्या जगह है, ये देखो भाई ऐसे जाना होता है यहाँ पे। ये देखो और ये पानी बहुत खतरनाक हो रखा है, हरियाली हरियाली दिख रही होगी। और यहाँ पे और टाइम भी काफ़ी हरा भरा रहता है। रास्ता थोड़ा ख़राब है तो बरसात में तो बिल्कुल ही मत आना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बरसात में आना। भाई क्या मौसम हो रखा है देखो भाई, ये देखो भाई मेरे चारों तरफ देखो एकदम हरियाली हरियाली हो रखी है। तो अभी जाएंगे हम ऊपर और भाई सीन बहुत खतरनाक है, ये देखो सारी जगह लैंडस्लाइड हो रखा है ऊपर। लेकिन ऐसे में जो वीडियो आती है ना बहुत खतरनाक, ये देख रहे होंगे अभी हमने यहाँ पे बनाई वीडियो। सब चलता है ऊपर की तरफ, मौसम कुछ ऐसा है अभी। धीरे धीरे कोहरा छट रहा है, अच्छी बात है। तब हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, जहाँ से पूरा देहरादून दिखता है भाई। मतलब ऐसी वीडियो बना रहे हैं हम फैज़ल भाई की। तो गाइस ये है सिकर फॉल का जो छोटा फॉल है, इसके ऊपर एक और फॉल है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है, तो वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। तो ये देखो, ये देखो
फैजल भाई कतई जोश में है। आराम से फैजल भाई वहां पे वीडियो बनाने गए थे और ये देखो भाई तो अगर हम ऊपर वाले फॉल में जाते ना वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन होता, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है तो इतना रिस्क हम नहीं लेंगे एक वीडियो के लिए। तो भाई मतलब कैमरे पे जो वहाँ का पानी है वहाँ पे उड़ के आ रहा है एकदम। देखो क्या सेक्सी मौसम हो रखा है। हेलो, और ये कुत्ता हमारे साथ नीचे से आ गया। तो ये देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही है, 13 या 14 किलोमीटर दूर है ये मेन देहरादून से। सो कुछ खास नहीं है, मतलब हम इजीली आ सकते हैं इजीली जा सकते हैं। तो ये देखो भाई ये भी हमारे साथ आ गया। यहाँ पे थोड़ा देख के जाना होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नज़र हटी दुर्घटना घटी। और वहाँ पे गए थे हम जो मेन शिखर फॉल है वो है उसके वहाँ पे है, जो आपको पहाड़ी के बीच में जो गैप दिख रहा है उसके इस साइड को है। चलो चलो चल चलो जल्दी। सुबह आ चुके हैं हम यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ की लोकेशन बड़ी खतरनाक है, यहाँ से पूरा देहरादून दिखता है बेसिकली। लेकिन अभी यहाँ पे कोहरा लगा है तो यहाँ पे भी एक दुकान हुआ करती थी तो जिसमें कि मतलब चाय वगैरह पीते थे हम, लेकिन अभी है नहीं। बाकी हमने सोचा था लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे आके एकदम मस्त चिल करते हैं और चाय होती तो अलग ही मज़ा आ जाता, लेकिन कोई नहीं नीचे पर पियेंगे हम चाय। सो अब लास्ट फाइनल वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद से निकलते हैं। सो 220 क्या सेक्सी लग रही है यार ऐसी लोकेशन पर अगर आप अपनी बाइक वगैरह लाओगे तो वाह। और तो यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, मतलब जब हम ऊपर आए तो काफ़ी चढ़ने के लिए था। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद से जाते हैं। सो मौसम अभी खुला नहीं है उतना, फिर से कोहरा लग चुका है। सो यहाँ पे चाय पियेंगे। देखो भाई चाय आ चुकी है। ये देखो भाई सभी हमने चाय पी ली है और अब चलते हैं।